हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर। और अभी हम हैं भोपाल में। आपको पता है बहुत सारे वीडियोस हमारे आ रहे हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, लेकिन आज मैं जिस जगह पर हूँ भोपाल की, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसे भोपाल की जान कहा जाता है। ये है ब्यूटीफुल लेक, मतलब बड़ी झील जो यहाँ की है, इसे अपर लेक भी बोलते हैं। तो वहाँ पर हम लोग आ गए हैं और हम आपको दिखाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि भोपाल को बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पर झीलों का शहर है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। तो ये जो लेक है, लेकिन ये सबसे बड़ी लेक यहाँ की है, इसे बड़ा तालाब बोला जाता है, बड़ी लेक बोला जाता है, अपर लेक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो हम वो आपको दिखाने वाले हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो है बोट क्लब, और मेरे पीछे जो रोड गई है ये जाती है आगे वन विहार, और यहाँ का जो म्यूजियम है वहाँ जाती है। वन विहार मतलब जू जो है वो आगे पर कोने पर है, तो वहाँ पर गई है। बाकी ये है लेक के नज़ारे, बीच में वो टापू है, उसे तकिया टापू बोलते हैं, और तकिया टापू पे एक मज़ार बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर भी जाएं। और देखिए इसमें बहुत सारी बोट्स हैं और ये बहुत बढ़िया लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। और ये है एमपी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का सेंटर, जहाँ पर कायाकिंग, सेलिंग और कनोइंग, यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। 2007 में इसे एमपी गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया था, और उसके बाद से हमेशा यहाँ पर ट्रेनिंग चलती रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर इनके स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाए जाते हैं, मैंने तो देखे भी हैं कई बार। यहाँ पर बड़ी झील जो है वो भोपाल का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और बड़ी खूबसूरत जगह है, तो लोग यहाँ पर अक्सर फोटोग्राफी करने के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए आ ही जाते हैं। और अभी भी देखिए ये हमारे सामने एक प्री वेडिंग शूट चल रहा है, इसके अलावा कई मूवी की शूटिंग्स जो है वो भी यहाँ पर होती रहती है। जा रहे हैं तकिया टापू पे, वो जो टापू आप पीछे देख रहे हैं मेरे, वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे हम लोग बोट से। तो बोट हम करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे उस टापू पे। तो हमने बोट जो है वो बुक कर ली है, 150 रुपीस पर पर्सन में बोट जो है वो बुक हुई है, और वो बोट हमें जाएगी लेकर तकिया टापू पर। और तकिया टापू पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, 10-5 मिनट जितना भी टाइम लगता है वहाँ पर, और उसके बाद हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये है हमारी बोट और अभी हम इस पर तकिया टापू जाने वाले हैं। ये पकड़ो, तुम कैमरा पकड़ो। ये बन गई है मेरी लाइफ जैकेट, हम आपको दिखाते हैं नज़ारे। ये क्रूज़ भी अच्छा है, पर ये क्रूज़ का दिक्कत ये है कि टाइमिंग पे चलता है अपनी और लंबा टाइम लेता है। ये अकेले अकेले घूम रही हैं सारी कश्तियाँ, बोट सारी अकेले ही घूम रही हैं।
बहुत सारी मछलियाँ हैं इसके अंदर। हम लोग जा रहे हैं अभी तकिया टापू पे, वो है तकिया टापू और जो है इस पे एक मज़ार है ना, तो वहाँ चल के उसको देखेंगे। और तुम्हें तो पता है एक बार जब मैं यहाँ भोपाल में रहता था उस टाइम पे ये पूरी लेक सूख गई थी, तो यहाँ से लेकर तकिया टापू तक की मतलब पैदल चले जाते थे, पूरी लेक सूख गई थी ये गर्मियों में, क्योंकि ये जो लेक है एक्चुअली लाइफ लाइन है भोपाल की। भोपाल में पीने का पानी जो है वो इसी लेक से मिलता है। हाँ, बारिश का पानी इकट्ठा होता है आगे आगे, तो बारिश का पानी जो है जब उठेगा आएगा तो ये पूरी लेक भर जाती है। और इसके बाद जो है हाँ ये सब बारिश का पानी है इसमें। और इसके बाद जो है इसी से पीने का पानी जो है वो निकाल लेते हैं लोग फिल्टर करके, वही यूज़ होता है पूरे शहर में, वही सप्लाई होता है। पैडल बोट में यही दिक्कत होती है, देखो टहल रहे हैं कहीं भी बीच में क्या होता है थोड़ी देर बाद इसका थकान हो जाती है चलते चलते, इसीलिए मैंने वो देखो कैसे कर रहा है इसको, देखो कैसे कर रहा है। ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर रेसेस भी होती हैं इनकी इसी से, ये एक्चुअली सीखते इसीलिए हैं, बाद में जब सीख जाएंगे ना तो फिर रेस करते हैं ये लोग, इसमें कंपटीशन होते हैं बड़े बड़े स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के इसमें, ये भी सीख रहे हैं, ये बच्चों के कंपटीशन होते हैं यहाँ पे, याच बोलते हैं इसमें। स्टार्ट, मजा आ रहा है बहुत। इसी चौथी बार मैं आ रहा हूँ इस मजार पे, मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ स्टापू, आज शायद दूसरी बार जा रहा हूँ यहाँ तक। पानी बहुत साफ है, बढ़िया मौसम है और धूप है। वैसे बाहर जो है सर्दी का मौसम रहता है पर अभी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत धूप नहीं लग रही है, मतलब बहुत गर्मी सर्दी नहीं लग रही है फिलहाल। वो आ गया बोलते हैं स्टापू पे लोग रात को रुकते नहीं हैं, क्यों चले आते हैं ये पता नहीं, क्यों नहीं रुकते पर रुकते नहीं है रात में। जो यहाँ के जो भी मौलाना और जो पूजा करने वाले जो भी होते होंगे वो लोग भी रुकते नहीं है रात में। एक बार लास्ट टाइम में आए तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग रात में नहीं रुकते हैं, शाम को बंद भी चले जाते हैं, फिर रात ही पूरा टापू खाली रहता है। आराम से इवनिंग में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, जनरली लोग इवनिंग में ही आते हैं। इसमें जो चांद की रोशनी इतना तो खैर नहीं आता, चांद की रोशनी से तो खैर नहीं चमकता है ये। भैया रात में नहीं चलाते ना, इनको कैसे पता चलेगा कि चांद रोशनी चमकता है कि नहीं चमकता है। पूरा वैसे तो पूरा शहर ही उस टाइम चमकने लगता है शाम को, सारी लाइट जल जाती है ना रोड के साइड में सारी, यहाँ से वहाँ तक की। और इस पर भी वो पीछे होटल जो दिख रहा है वो है विंड एंड वेव्स। हाँ दरगाह में जाएंगे, तो आप रुकोगे थोड़ी देर तक? 10 मिनट लगता है बस मैक्सिमम। यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है इस जगह पर, देखो पानी नहीं यहाँ पे फ्लो, पानी जो है लहरें ज़्यादा बड़ी होती हैं, देखो पेड़ देखो वो भी चल रहे होते हैं सब। जी ये साथ में पेड़ लगे हुए हैं सारे, देखो सब हिल रहे हैं सारे। ये टापू पे जब खड़े हो गए तो ऐसा लगेगा ना कि ये टापू भी हिल रहा है, ऐसा महसूस होता है देखो।
ओह माय गॉड, मेरे को लग रहा है उधर ज्यादा है आपका मेरा लोड। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये पहुंच गए हैं। वो संभल के खड़े होना, इस लहराएगी। हाथ डालो आप। चलो पहुंच गए। मुझे छोड़ के चले। ये निकाल दो ना। नहीं नहीं निकालो मत, चलो ऐसे ही। निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। बस आपने दुआ कर देना, जल्दी आते हैं। आप सब आ जाए, यही आप ही आ जाइए जी। आइए बेटा, इस तरह लाइए, मुझे दे दीजिए, इसमें हाथ लगाइए, काम ना करिए। आप अंदर नहीं जाएंगे, ब्रह्मचारी महाराज हैं, बाद में सब जगह घूमेंगे, भैया जाएंगे अंदर, इसलिए आप यहाँ हाथ लगाकर काम न कर। टच दी बकेट, प्रे योर फैमिली विश। अल्लाह ईमान दे, हिदायत दे, सदबुद्धि दे, यश हो, सुख शांति समृद्धि, लक्ष्मी जी की कृपा, अन्नपूर्णा देवी की छाया, स्वाद बना रहे, भंडार भरे रहे, जो भी आशा अभिलाषा आकांक्षा मन्नत मुराद विश लेकर यहाँ आए हो, पूरी परिवार में खूब खुशियां हैं, तुम्हारे माँ बाप खुशियां मिले, जो रुपया पैसा इसमें रखना चाहें ऊपर जाएगा, सहयोग कर दें। बाबा के दरबार की सभी आवश्यकताएं इसी प्रकार से पूर्ण होती हैं। सबसे कहते हैं बेटा, आप भी जो रखना चाहो आप भी। तो ये है उस टापू से लेक का जो दृश्य, इसे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है। और ये कितनी बड़ी लेक है, देखो आप, समुद्र टाइप की फीलिंग आती है इसको देख के। देखिए कितनी बड़ी है, ये सेंटर में है ये टापू एकदम। और वहाँ पर ये जो मजार, इसमें अभी मैं गया था, दरगाह मजार जो कहें आप, तो वो है। तो यहाँ पर लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। बहुत मजा आ रही है यहाँ के। टापू ना बहुत अच्छा है, टापू बहुत अच्छा है, मतलब पानी के बीच में बनना है तो टापू कभी डूबता नहीं है, मैंने देखा नहीं कभी डूबते हुए इसको। बहुत टाइम तो मैं रहा हूँ, 7-8 साल 10 साल यहाँ पे। हालांकि मैंने ये देखा है कि ये लेक जो है वो सूख जाती है, जब सूख जाती है तो यहाँ तक लोग पैदल चले आते हैं। वैसा एक दो बार हुआ है। इतनी जल्दी नहीं सूखती होगी, बहुत गर्मी पड़ती है तब सूखती है, जब पानी कम हो जाता है। बारिश जिस साल कम होगी उस साल ये सूख जाएगी। ये देखिए बहुत सारे मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे। को दिखाते हैं नीचे से क्या है माहौल। ये देखिए, देखा पूरी लेक के बीच में ये जगह है।
यहाँ से जब उधर देखोगे ना तो आपको बिल्कुल गोवा वाली फील आती है। उधर देखो बोट क्लब साइड में ऐसा लगता है ना। हाँ, वो मतलब ऐसा लग रहा है ना, क्रूज थे, क्रूज वगैरह थे और ऐसे ही। रात पे रुकते हैं यहाँ पे? नहीं, शाम में चले जाते हैं। रात में नहीं रुकते ना यहाँ पे। चले भैया। ये दरगाह हजरत शाह अली की है और वो इसी टापू पर बैठ करके इबादत किया करते थे। और कहते हैं कि एक बार कोई बड़ी बीमारी आ गई थी तो उससे बचने के लिए इंदौर के राजा, ग्वालियर के राजा सब लोगों ने उनसे बोला कि वो उनके लिए दुआ करें। और जब उन्होंने दुआ किया तो वो बिल्कुल परेशानी से मुक्त हो गए थे, एकदम बढ़िया हो गए थे। तब से जो है इनको लोग मानते हैं यहाँ के। चलो आराम से बैठो, आराम से। हाँ, ये बैग उधर रख दो, बैठ जाओ एक साइड में। बैठ जाओ। ये था टके टापू। अब चल रहे हैं बाहर और बाहर से एक बार और आपको नज़ारे दिखाएंगे। कैसा लग रहा है फिर? मुझे बोटिंग करने में बड़ा मजा आता है। बोटिंग करने में बड़ा मजा आता है। पैडल बोर्ड लेते ज्यादा मजा आता है। हाँ, ये तो अच्छा है। वहाँ से पहुँच पाते पैडल बोर्ड में? और क्या, हम तो पहुँच जाते। हम तो नहीं पहुँच पाते। हम पहुँच जाते। आपको मेरे पे भरोसा लग रहा है? नहीं, हम पैडल चला ही नहीं पाते। वहाँ पर सबसे लास्ट में जब वो टापू के पास पहुँचते हैं ना, वहाँ पर लहरें इतनी ऊँची हो जाती हैं कि बोट संभाली नहीं संभलती। ये बात तो सही है। वहाँ पे वो जो है आगे वो रास्ता दिख रहे हो, वो आगे वन विहार चला गया, वो वन विहार में ही है, आगे गेट लगा होगा। तो जानवर लोग ऐसे ही खुले रहते हैं यहाँ पे, मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं रहता कि वो जू टाइप का पिंजड़े में बंद है। ये पहाड़ पे बाउंड्री लगी रहती है, रोड बनी हुई है, रोड बाउंड्री लगी, तो इसी पहाड़ पे वो लोग खुले घूमते रहते हैं सब। और वहाँ नीचे से बाउंड्री रोड पे लोग देखा करते हैं। अभी इसे आजकल के मौसम में तो अच्छा है, वो धूप में हल्का सा निकलते भी होंगे, ठंड होती है ना, तो देखने को मिल जाते हैं। गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं दिखते वो। तो गाइस, ये थी भोपाल की बड़ी लेक और बहुत ही सुंदर थी। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता है, बहुत एंजॉय भी किया है।
पर इस वीडियो को लाइक करके अगर नहीं गए तो फिर सारा मज़ा बेकार हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी भी बहुत सारे वीडियोज़ बाकी हैं तो उन्हें देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।